हाय दोस्तों, आई एम रियली 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 सॉरी. आज पता नहीं कैसे पहली बार ऐसा हुआ कि सुबह मैंने वीडियो डाला, आप में से काफ़ी लोगों ने देखा एंड उसके बाद फाइल पूरा करप्ट हो गया एंड पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों के फिर मुझे मैसेजेस आने लगे कि वीडियोस चल नहीं रहा है, और मैंने इसलिए सारा वीडियो निकाल दिया एंड फिर से मैंने एडिट करके अब मैं फिर से डालने जा रही हूँ. आई होपफुली इस टाइम चले. थैंक यू सो मच समझने के लिए एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी. सो अब हम शुरू करते हैं हमारे वट सावित्री का व्लॉग. हाय, तो आज है बरसात की पूजा और हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं प्रसाद, जिसको हम पूजापा भी कहते हैं. सो मुझे हर चीज़ की ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए जो भी हमारी चाची रात लग बोलती है हम बस उसको फॉलो करते रहते हैं. तो ये हमारा पूजापा तैयार हो रहा है, हम आधा तैयार हो चुके हैं एंड पूजापा बनाने के बाद हम पूरी तरह से तैयार होंगे, और उसके बाद मैं थ्रू आउट पूजा आपको अपने साथ ही रखूँगी. सो देखते रहिएगा एंड तक. क्या करना है इसके मलियम डाला जी, हेमर. अच्छा, ये मलिया में जाएगा और ये वो जो मिट्टी का कचौड़ी बने. अच्छा, इसका कचौड़ी बनेगा और वो चने का दाल का कचौड़ी, चावल के आटे का पीठा बनेगा. अच्छा, क्या है ये, कौन सी दाल है? उड़द की दाल है, हरी उड़द वाली. हाँ, यहाँ पे सो फिर नॉर्मल पूड़ी बन रही है, ये मीठी पूड़ी बन चुकी है और मीठे आटे का ये गोल और स्पाइरल बन रहा है. हाँ, ये सब मीठे आटे का है. ये उड़द क्या है, सफेद. अच्छा, चने की दाल है, इसमें चीनी मिक्स होगा एंड इसका मीठा कचौरी बनेगा. और अभी जो काला उड़द है उसका उसको तो प्लेन ही करना, उसमें नमक नहीं ऐड करना है. ये तरीका नमक होनी. हाँ, और कुछ यहाँ हमारे साथ नाश्ता करने बैठी हैं, पूजा हुआ नहीं. मेरी देवरानी है, इनको पहले नाश्ते की फिक्र हो रही है कि नमकीन कचौड़ी क्यों नहीं है. शरबत भी बनाना होगा ना. शरबत, हाँ शरबत. चाची शरबत कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है? चीनी और नींबू लेके चला जाए. लेके क्या चला जाए, यही बना ले. हाँ, शिकंजी नहीं पी सकते है, नींबू ना डाले खाली चीनी डाल के. नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ ऑर्डर करो. नींबू वाली गया था. सो ये है गलियां हमारे फतेहपुर की, जो कि बाराबंकी लखनऊ में लगता है, और अब हम निकल चुके हैं अपने पूजा में. तो हम लोग हो गए तैयार और हम लोग जा रहे हैं पूजा करने. तो ये हम लोगों का, इसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं इसको जो हाथ में लिया, मलिया. मलिया समलिया ले लिया. ये रही हमारी शिवू, क्यूट सी प्यारी सी, एकदम रेडी. और चाची पीछे आ रही थी गायब, नहीं छोटी चाची. अच्छा, सो पहुंच गए हम, और ये है वो वट वृक्ष जिसकी पूजा होगी. आप देख सकते हो कितनी सारी औरतें कितने मन से यहाँ पे पूजा कर रही हैं एंड काफी सारे लोगों की फैमिली भी यही है. ये जो वट में धागा बांधने की जो रस्म होती है, जिसको लेके आपको फेरे लेने रहते हैं, ये तकरीबन 12 फेरे लेने पड़ते हैं 12 चनों के साथ. और मान्यता ये है कि जितना स्मूथ आपका ये फेरा होगा, बिना किसी हर्डल के कंप्लीट होगा, उतना ही स्मूथ आपकी जो मैरिड लाइफ होती है वो होता है. तो ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन खैर टच वुड अब तक जितने बार भी हुआ है सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है हम सबका. सो ये रास्ता मेरे लिए थोड़ा सा यू नो ज़्यादा ही पतला था, और प्लस उठना था तो मुझे वो साड़ी एंड एवरीथिंग पहन के काफ़ी दिक्कत हो रही थी. लेकिन समहाउ आई मैनेज्ड. बट आप तो बहुत क्यूट लग रहे थे लहंगे में, एंड दैट इज़ मी. ये मेरे पीछे मेरी भाभी हैं, बड़ी भाभी. उसके पीछे हमारी दोनों चाचियाँ, और निवेदिता कहीं तो खो गई होगी, वो यहीं कहीं. ये आ गई मैं फिर से. ये रास्ता सच में एक तो उठना पड़ता है, प्लस प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी आते हैं, लाइक जो पूजा करते हैं उन औरतों को छोड़ के भी और सारे लोग भी भीड़ जमाए रहते हैं. फाइन, सबकी पूजा अच्छे से हो गई, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. दुकान कर
खरीदी 1.5 लाख का। तो ये हमारी भाभी जी कितनी जल्दी जगह लगा रही है। ये बैकग्राउंड जो आप कमेंट्री सुन रहे हैं वो बेसिकली मेरे देवर का है, अंश, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये रहा हमारा छोटा कृष्णा, आधी नींद में उठ के दोनों बच्चे तैयार होके शिवन्या कृष्णा जबरदस्ती हमारे साथ आए, जबकि हम लोग बिल्कुल भी प्लान में नहीं थे इन लोगों को ले आने के, क्योंकि आप भीड़ देख ही सकते हो। अब ये जो रस्म है वो है आपको कच्चे चने जो होते हैं जो पानी में फुलाए होते हैं उनको डायरेक्ट निगलना होता है, लाइक डायरेक्ट आपको अपने गले के अंदर स्वेलो करना होता है, आप चबा नहीं सकते, और विद द हेल्प ऑफ थोड़ा सा चीनी और पानी। तो लिटरली हम दोनों इसे एज अ कैप्सूल ले रहे थे, आप अभी देखोगे निवेदिता ने इसे लिटरली कैप्सूल की तरह मुँह में डाला है अभी। भाभी वो कैप्सूल नहीं थी, मुँह के अंदर नहीं जाना है, बाहर से बिजली जाएगी वो। ये हमारी छोटी शिवन्या, इसको हर वो चीज करनी है जो हम कर रहे हैं। हाँ, इनको चना भी खाना है, इनको वो जूस भी पीना है, सब करना है इनको, बस इनको व्रत नहीं रहना, इनको टाइम टू टाइम खाना खाना है ना। हाँ, सब करना है। इनके व्रत का मतलब होता है चिप्स खाना और बिस्किट खाना। अभी उसके 4 दिन पहले तो गाना आया था, ईस्ट साइड पे सुना था। अब नेक्स्ट सुनिएगा आप मेरे देवर ऋषि का कमेंट्री, जो कि मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहा है। जोश जोश में पूजा करने तो आ जाते हैं लोग, लेकिन बस 5 मिनट में ही थक जाते हैं। ये देखो ऐसे लोग होते हैं, खाली पूजा करने चली आई हैं, माला डाल दिया, कैप्सूल खा लिया, अच्छी साथ साथ में 11 तो गिन भी रखी थी। देखिए बाकी लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा भाभी निकल गए थे आप एक बार में इस रास्ते से। सो फाइनली हम सबका पूजा खत्म हो गया, अब थोड़ी देर हम लोग बस रेस्ट लेके यहाँ से निकलेंगे। मेनली ना ये वाले व्रत में ना सिर्फ जो प्यास लगती है ना सुबह सुबह, बस वो एक प्रॉब्लम करती है, अदरवाइज सब ठीक था। बाकी मेरी तबीयत आप देख ही सकते हो थोड़ा डाउन हो गया था, बट हमारा पूजा कंप्लीट हो गया एंड आई थिंक दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छे से हुआ। ऑलराइट, सो फाइनली हमारी पूजा खत्म हो गई है एंड फ्रैंकली प्लान तो बहुत था, यू नो सबके साथ बहुत अच्छा खासा व्लॉग बनाना था, लेकिन सुबह जल्दी उठने की वजह से एंड थ्रू आउट वो साड़ी एंड यू नो ऑल सब कुछ पहनने के और इतने लंबे चलने वलने की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई, इस वजह से वीडियो को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाई। बाकी सबसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई और जो फैमिली व्लॉग बनाने का मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया, बट एनी विच वेज ये पूजा का एज अ मेमोरी मैंने व्लॉग बनाया है एंड आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आई होप आपका सबका पूजा बहुत अच्छे से गया हो और जो भी इच्छा आप लोगों के मन में है, ऑफकोर्स सबके हमारे मन में एक ही इच्छा है, वो पूरी हो। थैंक यू सो मच एंड वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू।